डॉक्टर, इन लेवल्स के साथ साथ हमारे टेक्निकल पैनल के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से ट्रेडिंग आइडियाज उन्होंने स्पॉट किए वो भी जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग किरण, आप बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी में अब गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज भी खरीदारी के होंगे आज के लिए? हाई रिस्क ट्रेड्स और साथ ही कॉल ऑफ द डे बताइए अपनी। यस डेफिनेटली, जो दोनों स्टॉक्स है वो थोड़े मिड साइज तरफ के हैं। सो पहला हमारा रहेगा कॉल ऑफ द डे इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट के अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं मेजर कंसोलिडेशन के ऊपर ये स्टॉक निकला है। लास्ट ट्यूसडे भी हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था, लेकिन अभी तक 5000 का लेवल जो है वो होल्ड है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चार्ट पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं, देयर आर चांसेस कि इसमें एक शार्प अपसाइड हम देख सकते हैं। 5030 5040 के आसपास की क्लोजिंग है, हमें लग रहा है कि इंडिया मार्ट में हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 5160 का हमारा टारगेट रहेगा, एज अ स्टॉप लॉस हम 4970 मेंटेन करेंगे इंडिया मार्ट के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो पेटीएम है, ये हमारा हाई रिस्क कॉल है। अगर इसका डेली चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ स्टॉक में कहीं ना कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। रिसेंटली हमने देखा था एक वॉल्यूम के साथ इसमें अपसाइड आई थी 700 के आसपास, वहां से वापस ही अपने प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है 600 को उसको रीटेस्ट करके कंसोलिडेट हो रहा है। लास्ट तीन दिन से हम देख रहे हैं कि मल्टीपल डोजीज कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो 620 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो पेटीएम हम लॉन्ग करके जाएंगे 620 के आसपास, 655 का हमारा टारगेट रहेगा पेटीएम के ऊपर, एंड 604 एज अ स्टॉप लॉस हम पेटीएम के अंदर मेंटेन करेंगे। टीम आपके कॉल है, मॉर्गन स्टैनली ने भी आज एक रिपोर्ट निकाली, उनका टारगेट है 695, आप कह रहे हैं 655 का टारगेट रखो, 604 का स्टॉप लगाओ और इसके अंदर पोजीशंस लेके जा सकते हो। विशाली, आपकी आज की कॉल्स क्या हैं? मेरे स्टॉक्स में एक्चुअली गोदरेज कंज्यूमर है, कल हमने देखा रीटेस्ट किया प्रीवियस हाई को, सो आई वुड से स्मॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी 945 के स्टॉप लॉस के साथ, 980 का टारगेट है। और दूसरा है मारुति, जिसमें एक डबल बॉटम है डेली चार्ट पे, सो 8250 का एक सपोर्ट है, सो आई वुड स्टे बुलिश ऑन दिस फॉर अ बाउंस बैक फॉर अ टारगेट ऑफ 8500 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 8150। चलिए, तो बिल्कुल चार कॉल्स आ गई हमारे टेक्निकल पैनल की तरफ से और चारों के चार कॉल्स जो हैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज तो खरीदारी के ही है। मॉर्निंग, फटाफट से पहले अपने सौदे बता दीजिए आज। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, मेरे दो कॉल्स हैं, दोनों ही ऑन दी बाय साइड है। पहला है ग्रासिम, देखिए स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए देखा है और पूरे स्पेस में एक्शन रहा है, तो मेरे हिसाब से 1660 के टारगेट के लिए से बाय कर सकते हैं और 1615 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज AIA इंजीनियरिंग, अगेन ये स्टॉक यू नो इज गेनिंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, अगर आप देखें तो इसने अपने जो नए हाइज हैं इनको भी यू नो टच किया है और मोमेंटम इसमें बरकरार है और पूरे स्पेस में ही हम जानते हैं अच्छा खासा ट्रैक्शन है, तो 2975 के टारगेट के लिए से बाय कर सकते हैं, 2850 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लिए दो कॉल्स, ग्रासिम और AIA इंजीनियरिंग, दोनों में खरीदारी की कॉल इस वक्त कुश की तरफ से, तो ये जोड़कर हमारे तीनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स के जो ट्रेडिंग आइडियाज हैं मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी के।